तिरंगा जी का पेड़ा, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। तो आप देख सकते हैं पीछे पार्ट टू हो सकता है कि आने वाला है। सात निश्चय पार्ट टू में तो काम किया था, रोड जितना भी टूटा हुआ था सब मरम्मत हो गया। बिहार के मुखिया हैं और जिधर जाएंगे कुछ ना कुछ तो समाधान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त सकरडी में हम हैं और सकरडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संतोष जी अभी हमारे साथ हैं। ज़बरदस्त तरीके से, जैसे कि लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, विगत 6-7 वर्षों से इन्होंने एम्बुलेंस भी अपने पंचायत के लिए डोनेट किया है कि नहीं, इससे फ्री निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। और अभी तो मुखिया हालांकि अभी ये लोग बना है, लेकिन शुरू से ही समाज के लिए ये अपने आप को सौंप दिए हैं कि नहीं, समाज की जो भी ज़रूरत होगी या जिस तरह भी समाज हमें इस्तेमाल करना चाहेगा, कहीं भी लगेगा कि नहीं हमसे उन लोगों की मदद हो सकती है, तो लगातार तत्पर रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। लगभग 1 साल चुनाव जीते हुए हो गया, इस 1 सालों में इन्होंने अपने पंचायत के लिए क्या किया और आगामी क्या योजना है। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको कि एम्बुलेंस सेवा के बारे में हमने सुना, बड़ा अच्छा लगा। इस वक्त 1 साल मुखिया जी लगभग गुजर गए, ये 1 साल के कार्यकाल में, चूंकि आप मुखिया नहीं थे, इसके पहले भी आपने बहुत सारा काम किया है, तो आप जब मुखिया, आप लोगों को जब मुखिया पद मिला आप, तो निश्चित तौर से आप एक ज़बरदस्त तरीके से अपने पंचायत को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास कार्य किए होंगे, तो हम चाहेंगे कि 1 साल में आपने अभी तक क्या किया। धन्यवाद। सबसे पहले बता दूँ कि मुखिया मेरी माँ है जी, और मैं 7-8 सालों से मैं गरीबों की सेवा करता हूं। मैं अपने तरफ से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी चलाता हूं और गरीब गुरबा का जो भी समस्या होता है मैं अपने तरफ से भरपूर प्रयास करता हूं कि उनका निदान करूं और गरीबों की सेवा भी करता हूं। 1 साल लगभग चुनाव जीते हुए आपकी माँ का हो गया, और निश्चित तरह यदि हम बात करें एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते या मुखिया पुत्र होने के नाते, निश्चित तौर से आप अपनी कर्मठता के लिए जाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, तो इस 1 वर्षों में आपने अपने पंचायत के लिए क्या किया, क्या विकास का कार्य आपने किया? आज तक जहां भी नली नहीं बना था, ढलाई नहीं हुआ था, वो सब काम चल रहा है। और स्कूल में मैं जाकर के देखता हूं अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो बच्चों का, आंगनबाड़ी में भी जाकर के हमारी माँ देखती हैं, सारी समस्याओं का हल होता है। अच्छा, लगातार अभी जैसे कि समाधान यात्रा निकला हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जगह जा रहे हैं और जाके, और चूंकि बक्सर में भी गए, भोजपुर में भी आए, तमाम बिहार के तमाम जिलों में जा रहे हैं और विजिट कर रहे, भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या लगता है चूँकि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, इस समाधान यात्रा से आम जनता को कितना बेनिफिट होने वाला है या फिर जनप्रतिनिधियों को क्या इससे बेनिफिट हो सकता है? बिल्कुल, बिहार के मुखिया हैं और जिधर जाएंगे कुछ ना कुछ तो समाधान होगा ही। बहुत लोग कहते हैं समाधान नहीं हो रहा है, बहुत लोग कहते हैं समाधान हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो समाधान हो रहा है। अभी जितना भी रोड बना हुआ था सब टूट गया था, सब सारे रोड तो फिर कंप्लीट कर दिया गया, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हाँ, सारा रोड जितना भी टूटा हुआ था सब मरम्मत हो गया, तो ऐसे ही वो घूमते रहें तो सारा रोड तो कम से कम ठीक हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तमाम जैसे कि हम बात करें वार्ड लोगों की समस्या को लेके, तमाम वार्ड सदस्य जितने भी हैं, अलग अलग पंचायतों में अलग अलग समस्याएं हैं लोगों की, उन लोगों का कहना है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है और कहीं भी काम करने का मौका वार्ड सदस्यों को नहीं दिया जा रहा है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है, वार्ड लोग आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं या और नाराज़गी आपके भी पंचायत में है, क्या कहें? जैसे पिछले बार वार्ड लोगों को मौका मिला था काम करने का, अभी तो वार्ड लोगों को काम करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं जहाँ तक प्रयास करता हूँ कि सारे वार्ड लोगों को मैं लेकर के चलता हूँ, उन लोगों को भी मिला करके मैं काम कर रहा हूँ, और हो सकता है कि आगे वार्ड लोगों को भी कुछ मौका मिले। 7 निश्चय पार्ट टू हो सकता है कि आने वाला है। 7 निश्चय पार्ट टू में तो लोग काम किया था, लोग देख रहे हैं कि मार्च बाद हो सकता है कि सुनने में आ रहा है कि उन लोगों को भी मौका मिलेगा। अच्छा है, मौका मिले, पार्ट वन में मौका मिलेगा। जी जी। अच्छा, बसंत पंचमी 26 जनवरी को बसंत पंचमी है और गणतंत्र दिवस भी एक साथ मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? तमाम दर्शक आपके पंचायत के लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? 26 जनवरी को हम लोग बहुत धूमधाम से झंडा उत्तोलन करते हैं और अपने पंचायत वासियों को, अपने जिला वासियों को, अपने बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी, मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनकी माता जी मुखिया है, और जिस तरह
काफ़ी गंभीरता से अपने बातों को इन्होंने रखने का दर्शाता है। और देखिए एम्बुलेंस लगी हुई है, आइए हम आपको दिखाते हैं। और ये है तिरंगा जी का पेड़ा, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। तो आप देख सकते हैं यही एम्बुलेंस है और इस पे ड्राइवर का नंबर भी लिखा हुआ है। और ये सकरडी पंचायत हमेशा यहाँ एम्बुलेंस लगी रहती है। और ये आप देख रहे हैं तिरंगा जी का मशहूर पेड़ा दुकान है और मुखिया प्रतिनिधि का फोटो वहाँ पे लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं समाज के लिए समर्पित रहते हैं कि नहीं, समाज की कोई भी ज़रूरत होती है, हम रहें या ना रहें, यहाँ कोई भी दुकान पे आके या कोई भी ड्राइवर को फ़ोन करके हमारे एम्बुलेंस की सेवा ले सकता है और कहीं भी जो भी व्यवस्था हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या हमें देखने को मिला है कि जब मैंने समाधान यात्रा के बारे में उनसे चर्चा किया, किसी तरह का कटाक्ष न करते हुए अपने अच्छे विचार का परिचय देते हुए इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के भले ही सीमित जगह पर गए हों लेकिन जिस रास्ते से गुजरे हैं वो टूटी फूटी सड़कें मरम्मत जरूर हो गई है। तो इसी तरह यदि जिला के तमाम सड़कों चले जाएंगे तो निश्चित तौर से वो तमाम सड़कें, तो कुछ ना कुछ तो समाधान जरूर हो रहा है। और मुख्यमंत्री साहब इसी तरह आते रहेंगे तो निश्चित तौर से विकास होता ही रहेगा, समाधान कुछ ना कुछ होता रहेगा। लगातार प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं, वार्ड लोगों को भी इन्होंने बताया कि इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम प्रयास करते हैं और यदि सात निश्चय पार्ट टू आता है तो उन लोगों का बल्ले बल्ले फिर से होगा, तो हबड़ाने की जरूरत नहीं है। तो एक समझदार प्रतिनिधि की तरह जिस तरह इन्होंने अपने पूरे पंचायत को बांध के रखा है, कहीं ना कहीं इनके दिलेरपन या फिर इनके जो अच्छे गुणवत्ता है इसको दर्शाता है। तो देखते रहिए सकरडी पंचायत के लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रजीश के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।